पिता सभी धर्म में जाकर स्थापन करता है, बाप है तो वर्षा जाके देगा। तो सन्यासी और आर्य समाज में कहाँ राजा ही देता है? उनकी गद्दियाँ नहीं चलती कहाँ बाबा? सन्यासी गद्दियाँ नहीं चलती। एक सन्यासी मरता है तो उसके बाद उसकी गद्दी में कोई बैठता ही नहीं, तो वो गद्दी कहीं कहीं से शुरू वही होगी, वही राजा ही। और तो बिना रानी के राजा है, किसके द्वारा चलता है? असुर संघारणी किसको कहा जाता है? तो असुरों के लिए चलेगा या देवताओं के लिए चलेगा? तो असुरों के लिए संघार करने वाली कौन साबित होती है? जगदम्बा बात सकती है ना, तो वो ही उनके लिए धर्मराज हो गई। शंकर थोड़े बनता है महाकाली का पाठ ही आओ क्या, वो तो पुरुष है, पुरुष शरीर दिखाया है ना, पुरुष शरीर दिखाया है भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो दिखाया भैंसे में सवार है, भैंसा मार है, है? है? वो बोल रहे हैं अव्यक्त स्थिति को एक्सप्लेन कीजिए, अव्यक्त स्थिति से माना जो चीज इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती वो चीज दिखाई देती है, आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, तो जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती वो ही हर समय बुद्धि में देखने में आती रहे, मैं आत्मा स्टार हूँ, शिव बाबा स्टार है, और साकार में जो चीजें इन आंखों से दिखाई पड़ रही वो याद ना है। साकार में साकार जो व्यक्ति है वस्तुएं है वो याद ना है, वो आकर्षित न करे बुद्धि को, वो अनुभव होना है, वो तो हल्की हल्की उड़ती उड़ती अवस्था रहेगी। अंदर उनके उनके बेरे जब मात्र के लोग जो जो आत्मा अंतर्मुखी रहते हैं, बाहर का दुनिया को कुछ भी बोलने का नहीं होता है, ऐसा अंतर्मुख कैसा होता है? वो होते ही नहीं अंतर्मुखी, वो बोलना बंद कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मौनी बाबा बन जाते हैं, अंतर से उनके संकल्प करते रहते हैं, ये उनका काम नहीं, ये तो हम बच्चों का काम है कि हम अंतर्मुखी बन जाए। अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं कि जो जरूरी बात है वो भी नहीं बोले, बोले लेकिन अवस्था जो है अंदर से बोलने में इच्छा नहीं है, इशारे में। हाँ जी, बाबा ये बोलते हैं कि काम बाहर का काम कैसे करना है, ऐसे करना है जैसे महबूब महबूबा की याद में कारखाने में काम करता रहता है, उसका एक प्रॉब्लम है, वो अकेला रहता है, वो मिल्क वाला आता है, सब्जी वाला आता है, उस समय वो अंतर्मुखी रहे तो वो आया तो अंतर्मुखी रहने का मतलब ये नहीं है किसी से लगाव लग जाता है तो आदमी खाना पीना बंद कर देता है क्या? अटैचमेंट किसी से हो जाता है जिंदगी में तो आदमी खाना पीना दुनिया के काम करना बंद कर देता है क्या? नहीं बंद करता है ना, लेकिन बुद्धि तो वहाँ लगी रहती है, तो जैसे वहाँ लगी हुई है बच्ची वैसे बाबा में लगी रहे, तो आमले ताता गुरु तंदे और वो ये बता रहा है विक्रमादित्य का पिता प्रजापिता होता है, और फिर इस्लाम धर्म का भी बीज का पिता प्रजापिता होता है, उनका भी पिता बाबा बीज का पिता, जो बीज होगा जो नारायण होगा इस्लाम धर्म का, उस नारायण का भी पिता पिता कोई बीज रूप आत्मा होगी इस्लाम धर्म की,
और उसका भी पिता पर बाबा वो होता है ग्रेट, ग्रेट, एक ही टाइम में हो गया ना, एक टाइम वहाँ हो गया, या तीन पीढ़ियों जैसी हो गई, वहाँ तो लंबी लंबी उम्र होती है वहाँ के। पहला प्रजापिता होता है विक्रमादित्य का पिता, जैसे सिद्धार्थ था तो सिद्धार्थ तो नारायण हुआ, उसका पिता हुआ प्रजापिता, जो है वो नहीं जो शुद्धोदन शुद्धोदन हुआ वो बीज रूप आत्मा बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म की जो बीज रूप आत्मा है उसका भी बाप वो प्रजापिता हुआ। हाँ जी उसी समय ये उसी समय प्रजापिता कैसे इस्लाम धर्म में आता है, इस्लाम धर्म में कहाँ आता है, सेम टाइम वो बोल रहे हैं इस्लाम धर्म में नहीं आता है वो, इस्लाम धर्म में तो तब जाता है जबकि इस्लाम धर्म की राजा ही स्थापन करी होगी 300-400 वर्षों के बाद, जब जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी तब वहां जाकर के राजा ही स्थापन करेगा अरब देशों में, इसी समय नहीं आएगा 300-400 वर्ष के बाद जब उनकी लाखों की तादाद की संख्या हो जाती है तब जाकर के जन्म लेगा, शुरुआत में थोड़ी जन्म लेगा इस्लाम का। अरे ये तो बताया कि वो बीज रूप आत्मा है तो कन्वर्ट होती ही नहीं, चक्रयाल कैसेट में इसमें बहुत विस्तार में चक्रयाल कैसेट में इसके विस्तार में बोला है पानी डेड टाइप पानी इपड़ ये मार गये इंदावा ಎಂಡ್ ಮೇ ಅಂತ ಮೇ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಾ ಪಾತ್ರ ಜಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಸಬ್ ಆತ್ಮಕ ಪನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಕರ್ಮೋ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಜೋ ಲೋಗ ಜೋ ಆತ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಸೇ ದ್ವಾಪರ ಮೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಹೈ 2500 में अलग कर कर वो बहुत भक्ति करते हैं, द्वापर में पहले आने वाले आत्मा बहुत भक्ति करते हैं, आने वाले इब्राहिम उसको भी पनिशमेंट दूसरे धर्म की आत्मा है, भारत में भक्ति तो करता नहीं, वो तो दूसरे धर्म की भक्ति करेगा, हम बच्चे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, नहीं इस्लामी भी भक्ति करते हैं, वो पहले मूर्तियां बनाते थे, हम लोग तो देश की पूजा करते थे बाबा। हाँ हमारे कोई ये डायरेक्ट आते हैं ना इस यहाँ आते हैं ना ईश्वरीय विद्यालय में कोई डायरेक्ट आता है, बीके में नहीं आते, हाँ बीके में नहीं जाते, यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तो उनका पिछले जन्म बीके में हुआ होगा ना, जरूर हुआ होगा, पर आते हैं और आते ही अगर ज्ञान को सुन लेते हैं समझ लेते हैं तो इसका मतलब वो हमारे कुल के हैं और वो जरूर पहले रहे होंगे, पर कोई बहुत साल के बाद बीके में आते हैं, मैं बहुत देर से आया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने सुना जब आपने सुना तो जल्दी आ गए या देर में आए, जल्दी तो आ गए, जल्दी आ गए, बस ये पहचान बताएगा जो हमारे कुल का होगा तो थोड़ा सा सुनेगा और चटक पड़ेगा, पर 40 साल के बाद आया मैं तो क्या हुआ, लाख आता है लाख में आने वाले फास्ट नहीं जाते हैं क्या, फास्ट तो जाते हैं पर ये अंतर क्यों पड़ जाता है बाबा, कोई कुछ लोग पहले आते हैं कुछ पहले आते हैं कुछ बाद में आते हैं, वो बाप के साथ कुछ न कुछ हिसाब किताब ऐसा बन जाता है कि लंबे समय तक बन जाता है, वो हमारा गलती है क्या, बाप की गलती है, बाप का संदेश ही नहीं मिला है, बाप का संदेश ही पहले सन 76 और बाप का संदेश मिल जाता और विरोधी हो जाते तो उससे तो अच्छे ही है, वो तो ठीक है, कोई 14 साल में भी आ गया है? और मैं 40 साल के बाद आया, कोई होता ही नहीं है क्लास के, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं उसमें आना जाना करते हो ना,
वो जो संगठन तैयार हो रहा है उसमें सब नए ही नए जा रहे हैं। तो वो ज्यादा भाग्यशाली हुए या बाद में आए इसलिए कम भाग्यशाली हुए? बाद में आए भाग्यशाली। ऐसी क्या बात है कि उनका ही सिलेक्शन किया जा रहा है? पॉलिटिक्स नहीं होता है, है? पॉलिटिक्स नहीं करते हाँ जी नहीं बाबा ये बताया देर में आया और जो पहले आया बाप के साथ कोई हिसाब है? तो पहले आकर जो विरोधी बन गया तो कैसे हिसाब हो? कैसा बन गया? तो दूसरे धर्म के लोग होंगे बाबा। कर्नो एक ही जन्म में जो जब एडवांस ज्ञान और बेसिक ज्ञान ले लिया तो बेसिक भी ले लिया एडवांस भी ले लिया दो दो बार ले लिया तो उसका क्या और ज्यादा गहरे चले जाएंगे उनको ज्यादा अनुभव हो जाएगा ज्यादा अनुभवी हो सकते हैं। फिर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े देवता ही बन जाए। ये फिर आपको जाना के ऊपर है बाबा। स्वर्ग का गेट ब्रह्मा ने खोलता है ना? ब्रह्मा बोलता है। वो स्वर्ग के अंदर होती है या बाहर हमारे साथ ही स्वर्ग में जाती है? मतलब देवता बन चुकी होती है या देखो स्वर्ग का गेट खोलेगा दरवाजा खोला वो दरवाजा आप अंदर से भी खोल सकते हैं बाहर से भी खोल सकते हैं। अंदर से कोई नहीं निकलता स्वर्ग में से बाहर से ही दरवाजा खुलता है गेट का। नहीं वो पहले से कोई थोड़ा ही होता है स्वर्ग बाबा मानव बुद्धि में स्वर्ग का द्वार कोई जाए ना पहले एक के पतित बनने से वो भूल गए पॉइंट। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं वो एक कौन बाबा? दो चीज से वो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया ना दो चीज से पर उसमें बाबा सिग्नेचर तो किया होगा ना? नहीं तो वो कैसे ट्रस्ट बनती है? नहीं बाबा को जरूर सभी वो दुनिया में इतने ट्रस्ट बनते हैं क्या बाबा ही साइन करते हैं सब? नहीं बाबा वो जो आस्ती था जो वर्षा था वो जरूरी नहीं है कोई बना सकता है। पर वो सब मकान वो मकान वकान को नहीं लिखे गए उसमें 20,000 रुपया लगा दिया और 20,000 रुपए में ही ट्रस्ट खोल दिया और सभी जगह मंदिर वो सभी को ट्रस्ट में कैसे इंक्लूड करेगा? कैसे इंक्लूड किया किसी को पता ही नहीं है कि ये ट्रस्ट बाबा ने बनवाया कि तीन जातियों ने बनवाया कि मनमत में बनाया कि श्रीमत में बनाया तो सभी ट्रस्ट को ही देखे तो बाबा का सिग्नेचर नहीं लिया था जो बाबा के अजीज बच्चे थे उनके भी नहीं सिग्नेचर हुए। अंतिम जन्म में सब बच्चे नीचे गिरते हैं तो अन्य धर्म में जाकर ऐसे कहते हैं प्रेयसी जन्म तक वो सिखी रहते हैं अंतिम जन्म में वो नीचे गिरते हैं अगले जन्म में जाकर जन्म लेते हैं माना शरीर रहते शरीर जिस धर्म में पैदा हुआ है वो वहाँ कन्वर्शन नहीं होते उनका कन्वर्शन नहीं होता है वो जब शरीर छोड़ देंगे तब भले कन्वर्शन हो जाए दूसरे धर्म में चले जाए। जन्म हाँ जहाँ जन्म लेते हैं वो शरीर रहते रहते कन्वर्ट नहीं होंगे दूसरे धर्म में नहीं जाते। हाँ दूसरे धर्म में जाते ही नहीं हो अपने धर्म के पक्के ही रहते हैं। फिर दिल कहीं लग गई मान लो
भले दिल लगी रहे, दिल की बात नहीं मानेंगे क्या? दिल की बात नहीं मानेंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, फिर आप दिल लग गई है तो अंत मते तो बते हो जाती है, जन्म मिल जाता है। बाबर जैसी नहीं, बाबर जैसी क्या? हाँ बाबर जैसी बहुत बड़े उसमें 4.5 लाख का आत्मा है और करुणा में मेरे आत्मा अदो मदद है होस आत्मगढ़ आक्वर लेक्चरल बर्ताव ब्रेक प्रवेश आगतल 4.5 लाख आत्मा वो शरीर नहीं छोड़ते हैं, वो द्वापर से कैसे आते हैं? ऊपर जाने वाले आत्मा है, मेरे ने कहला वो नहीं आएंगे। 4.5 लाख 4.5 लाख से 20% प्रवेश आगतव 4.5 लाख 20% ಇರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವತಾ 4.5 ಲಾಖ ಆತ್ಮ ಹ ಬೀಜ ರೂಪ ಆತ್ಮ ಊಪರ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಆತ್ಮ ಹ ದ್ವಾಪರ ಆತ್ಮ ಯೋ 4.5 ಆತ್ಮ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಸಕತೆ ಹ करके जन्म ले सकते हैं, पूछता है क्यों नहीं? 33 करोड़ देवताओं में से प्रत्येक में प्रवेश होता है, ऊपर से आने वाली आत्मा है 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती हूँ, शिवभाव भी आ गया। हाँ प्रजापिता अकेले बन जाता है और सारी दुनिया विरोधी हो जाती है। अकेली नहीं, अगर अकेला नहीं बनेगा तो माला का दूसरा मड़का तीसरा मड़का कैसे पता चलेगा? वो अकेलापन कितना दिन रहेगा बाबा? जब बात दूसरी ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम महीना होगा या साल होगा या रहेगा ये नहीं बताया जा सकता, रहेगा वो दिन होगा या महीना भी हो सकता है तभी ये एक सेकंड होगा, ये सब कुछ अभी नहीं बताया जा सकता है। पर इतना तो बता सकते हैं बहुत काल नहीं पड़ा। हाँ बहुत काल होगा तो फिर 36 में तो 9,16,108 जनसंख्या कैसे होगी? तो बहुत कम टाइम होगा। तो फिर अष्टदेव उनके बनेंगे, नंबर वार बनेंगे, नंबर वार है बहुत थोड़े समय देखेंगे। संगम 36 में हुआ हा? ये अरुण भाई ने पहले क्लास में आपको दिखाया विक्रमादि संवत्सर 1146 में स्टार्ट होता है ऐसा वो मुरली आपको दिखाया। कैसे चपरा कौन सी मुरली में दिखाया? पिछले बार आए ना मैथुन में आप उसमें दिखाया आपको उसमें आया ऐसा है क्या दिखाया? मुरली में मुरली में वो मुरली दिखाया ना, अगली बार मुरली ले आना। उसमें ऐसा है 2046 को विक्रमादित्य संवत्सर 1111 काल आता है वो मुरली मुरली दिखाता क्या? आपने दिखाई? आपने देखी क्या? यारा तो नोड़े जरा आपने देखी मुरली? नहीं नहीं देखी, दिखाई किसी को नहीं। वो 36 तो है, गलती से 46 हो गए। झूठा वो झूठा झूठा बोलता है। परवाह नहीं, नाड़ा नाड़ा दादा कॉपी कॉपी भेज दी मिल करा देखेंगे, अपने पास है तो भेज दीजिए। लैला और अक्षर में तो कन्नड़ की मुरली है, हिंदी की? हिंदी दिखाओ। नहीं कैसे कर रहा पद्म चला पैसे तो फिर दूसरी बात यह है कि छापने वाले भरोसे थे मनुष्य आपको सेवा हो सकता है और दादा ब्रह्मा ने अंत में वो हिसाब किताब शिफ्ट करता है बाबा जो उनको दुख दिया दर्द दिया उनसे उनके साथ तब ब्रह्मा करता है वो पूरा कैसे होगा? हाँ तो ब्रह्मा का मन का कैसे होगा ये बदला लेने का होता है या सुधारने का
मन होता है वो खुद पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तो उनकी आत्मा शुद्ध कैसे बनेगी? वो तो ठीक है, पर ब्रह्मा का मन क्या कहता है? उनको सुधारने के लिए दंड देता है या ये बदला लेने के लिए? माँ बाप होते हैं बच्चों को किस लिए मारते हैं? सुधारने, सुधारने। तो वो बड़े से बड़े माँ बाप हैं, वो उनको इसलिए दंड देंगे कि उनसे बदला लेना है, सुधारने के लिए है? तो आज ने धोखा दे दिया ना दो बच्चे, उनके उनके साथ ऐसा है? उनके साथ कैसे हिसाब किताब है? उस समय तो ज्ञान ही नहीं था, जब ज्ञान ही नहीं था तो उसका तो कोई हिसाब नहीं बनता, तो ज्ञान होने की बात है। सगुना बोध किसके ऊपर चढ़ता है? ज्ञानियों के ऊपर चढ़ता है कि अज्ञानी के ऊपर? ज्ञानी, जो ज्ञान में आ चुके हैं, जानते हैं कि ये सच्चाई है, फिर भी विरोध में करते आ जाते हैं, विपरीत कर्म करते हैं, तिब्बत के खिलाफ चलते हैं, उनका सब गुना बोल करते हैं। बाबा हाँ, छोटे बच्चे जो शरीर छोटे हैं, एक साल का दो साल का, वो संदेश कैसे लेते हैं बाबा? क्यों, अभी अभी टाइम नहीं पड़ा है, अभी टाइम पड़ा हुआ नहीं है, अंत में अंत का अभी जो शरीर छोड़ रहे हैं वो उनके लिए अभी टाइम नहीं पड़ा है। अभी तो आजकल तो बच्चे ही ऐसे शूट पैदा होते हैं कि तो तीन तीन साल में तो जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। एक साल का होगा तो वो अखबार में निकला जाए जो तीन चार साल का बच्चा जो कंप्यूटर चला रहा है। बाबा ये देखिए वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे संदेश लेगा? क्या ये बड़ा नहीं होगा? अभी वो होगा, पर अब हम समझे तो यही अंत काल है। आप समझे अंत काल में छोटे तो कोई बोले ना तो वो संदेश कैसे? क्योंकि प्रजापिता सारे उस समय जब टूलेट का बोर्ड लग जाता है उसकी बात नहीं है, जब टूलेट का बोर्ड लग गया तो उसकी तो बात ही नहीं। पर अंत में सारे 700 करोड़ आत्मा को भी संदेश देना है, सबको संदेश मिलेगा तो छोटे बच्चे कैसे संदेश ले जाए? अरे वो जो सारे जो देवता का धर्म ही नहीं आने वाले होंगे, धर्म में नहीं आने वाले, धर्म में नहीं आने वाले, पहचानेंगे बाप को तो पहचानेंगे, बाप को तो सारी दुनिया पहचानेगी ना, एडम को आदम को तो सारी दुनिया पहचानेगी ना। तो वो वही बात पूछ रहा हूँ बाबा, छोटे बच्चे बहुत से छोटे बच्चे जो होते हैं वो कैसे पहचानते हैं? वो उस समय तक आगे जब वो समय आएगा उस समय छोटे छोटे बड़े सूट होंगे, जैसे गाय का बच्चा पैदा होते ही दौड़ने उछलने लगता है। ये भी हो सकता है, अभी जनरेशन बहुत फास्ट जा रही है। नहीं बाबा ये भी हो सकता है, छोटे बच्चे शरीर छोड़कर किसी में प्रवेश करके ज्ञान हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो काली मौत अगर किसी की होती है तो उसका मतलब ये होगा गर्भ से आते ही वो पहचान जाते हैं बाप को, गर्भ से पैदा होते ही बाप को पहचान जाते हैं, ये तब हो सकता है कि जब उन्होंने पहले भी जन्म ले लिया हो। ब्राह्मण धर्म के संस्कार वो पैदा होते ही उनके आजकल ऐसे भी बच्चे हैं जो पैदा होते हैं वो शिव बाबा के चित्र की तरफ ही देखते रहते हैं, वो खुश होते हैं उसे देख करके, तो ये संस्कार कहाँ से आ गए होंगे? वो तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका संस्कार उन्हीं की बात है, मैं उन्हीं की बात आप न करें ना, उनकी बात तो उनकी तो बात ही नहीं हो तो सिर्फ समझे लेंगे थोड़ा सा। जो ब्राह्मण नहीं बने होते हैं ना पिछले जन्म में, अभी जो पैदा होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 700 करोड़ में बाप को नहीं देखा होगा, समझा नहीं होगा, भगतर भूल गए जिस तरह विनाश की भगतर होगी भाग दौड़ मचेगी, बच्चे पैदा करेंगे जब आदमी को जान बचाने की मुसीबत पड़ी हुई है, एटम बम फट रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही है, उसमें बच्चा पैदा करना शुरू करेगा फिर? सत्युग और त्रेता में कितने राजा रहता है? एक ही राजा? सत्युग में एक राजा होता है एक टाइम में, और त्रेता में अनेक राजा होते हैं। होल सत्युग में एक ही राजा?
एक टाइम में आठ राज्य हैं, आठ पीढ़ियों में आठ राज्य हैं, त्रेता में अनेक राज्य हैं, महाराजा है, महाराजा सम्राट, महाराजा होते हैं सती हुए, त्रेता में होते हैं राजा हैं, फिर द्वापर में फिर होते हैं महाराजा हैं, महाराजा भी होते हैं राजा भी होते हैं, और कलयुग में सब राजा हैं, महाराजा कोई होता ही नहीं, नाम भी होते हैं। बाप समान एक ही बनता है और आठ बनता है और 108 बनता है और सब बाप समान बनता है, आठ बाप समान, 108 बाप समान नहीं बनते, तो दूसरे दूसरे धर्म के बाप समान कहते हैं, आपके समीप बनते हैं। बाप समान जब विनाश का टाइम होता है, कोई का आत्मा वो बाप बनाने वाले के शरीर में प्रवेश करके उनको बुद्धि को शिक्षा देगा और शक्ति देगा और वो बॉम्ब पटाएंगे, बॉम्ब बनाने वालों को, जिनके पास बॉम्ब है, जिनकी पावर है, पावर है, बॉम्ब है, अब वो उनके उनमें शक्ति नहीं होती है वो बॉम्ब पटाने के लिए, और जो आत्मा है उनमें प्रवेश करके है? वो बम पटाने का उनकी बुद्धि को उनकी बुद्धि को ताकत दे देंगे, ताकत देते हैं है? वो कौन सी आत्मा यह होती है जो प्रवेश करके वो शक्ति देती है, वो कौन सी आत्मा मन नष्टदेव है या नष्टदेवी होंगे, और आठ के बाद जो आते हैं अष्टदेव के बाद वो उनके आत्मा है, आठ में आठ में चार चार तो हैं स्थापना करने वाले जो विशेष स्थापना का काम करते हैं, चार हैं विशेष पालना करने वाले, और जो बारह में चार रह जाते हैं वो है नष्टदेव, वो आत्मा जाकर ऐसा काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी, शरीर छोड़ने के बाद वहाँ जाते हैं, फिर वापस की बात बाद में छोड़ो, बाँ की बात बाद में लो, पहले ब्राह्मणों की संज्ञा की दुनिया में विनाश कैसे हो जाएगा वो पहले पकड़, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो एटम बम फोड़ने वाले होंगे, ज्ञान के बम फोड़ेंगे, वो कौन होंगे, वही दूसरे धर्म का आत्मा है, दूसरे धर्म जो नष्टदेव है वो तो वही फोड़ेंगे, सारे तितर बितर हो जाएंगे, सब टूट जाएंगे ज्ञान में, चाहे बी के हो चाहे पी बी के हो। वो तो ठीक है बाबा, वो तो थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन कीजिए बाबा, वो आत्मा ये कौन होते हैं, कहाँ से, यहाँ की नष्टदेव, यहाँ की अंदर की बात, और वो ही फिर उस समय याद करते करते इतनी सूक्ष्म चेंज हो जाएगी कि उनमें प्रवेश करके उनके द्वारा कार्य करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे इसी शरीर में कार्य करने के बाद, अपने अपना शरीर में जैसे ब्रह्मा की 16-20 बच्चे में प्रवेश करके पार्ट में जाती है, वो तो शरीर नहीं, तो शरीर छोड़ दिया, शरीर लेकिन तो शरीर रहते भी कोई कोई ऐसे होंगे कि अपने शरीर छोड़ करके दूसरे को काम करके और वापस आ जाएंगे, अंतर वाहक शरीर द्वारा सेवा ऐसा ही। हाँ जी हाँ जी, तो शरीर जब कॉन्सेंट्रेशन से कोई काम कराया जा सकता है, तो कॉन्सेंट्रेशन से आत्मा जो है कामना पहुंचेगी, शरीर छोड़ करके आत्मा कामना पहले पहुंचेगी, और उसी से जमित कैसे करेगी, अगर उसी से जमित कर सकती है तो किसी दूसरे से काम भी कर सकती है, लास्ट में करेंट से 100 और 500 करेंट से फेल होगा, 1600 रुपए करेंट से फेल होगा, 500 का और 100 रुपए भी फेल होगा, पूरा फेल होगा।
करेंसी फेल होगी माना सारा ही फेल हो जाएगा। हाँ जी नोट इकट्ठे करके रखे क्या नोट इकट्ठे? मन में शरीर छोड़ने के बाद 10 दिन या 11 दिन या 14 दिन के बाद कुछ रसम रिवाज करते हैं, उसका मतलब क्या है? आत्मा आती है शांति उसको पाती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर को ले जाके वहाँ जलाते हैं, ये रसम नहीं है? हिंदू लोग जलाते हैं, मुसलमान लोग जाकर के गाड़ते हैं, ये रसम नहीं है? ये रसम का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? रसम अच्छा है, रसम ये कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की चंद्रवंशी दुनिया में जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो जलाएंगे माने खाक कर देंगे संस्कारों को, और जो दूसरे धर्म के होंगे वो जला नहीं पाएंगे संस्कारों को, तामसी संस्कारों को जला नहीं सकेंगे, वो देह हनुमान की मिट्टी में दबे रहेंगे, उनके संस्कार पूरे खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ शूटिंग कर दी वहाँ पे पक्की मारेंगे, ये आडम्बर करेंगे वो जमीन उगाड़ेंगे, वो शरीर को जमीन उगाड़ देते है आत्मा की बात। तो ऐसे दूसरे दूसरे जो संस्कार है उनका भी हिसाब किताब। जब आत्मा शरीर छोड़ता है शरीर छोड़ने के बाद तुरंत ही और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है क्या? हाँ जी अगर अगर अकाली मौत नहीं हुई है तो और बाबा आगे अकाल पड़ने वाला है और बहुत कष्ट नष्ट होता है और एक एक बूंद का पानी का भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी और बाबा इसने 4.5 लाख को कैसे खिलाए? हमारे भी फैले दुनिया में फैले और उस समय जब याद में बैठे हुए होंगे अबू अब्बा के घर में बीजू की स्टेज में होंगे तो उनको भूख लगेगी? यहाँ भूख नहीं लगेगी अभी भी जिन दिनों ज्यादा अच्छी अवस्था होती है, याद की अच्छी स्टेज बनी हुई होती है तो भूख प्यास टट्टी पेशाब ज्यादा लगती है कम हो जाती है? नींद वगैरह कम तो होती है, तो कम ऐसे ही कम होते होते इतनी भी कम हो जाएगी कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक हवा आते ही 550 तत्व ग्रहण कर लेगी शरीर। एक एक तत्व में 5 तत्व भरे हुए हैं क्या? एक पानी के अंदर ही हवा भी भरी हुई है, पानी के अंदर अग्नि भी है, पानी के अंदर पृथ्वी भी है, तो कोई एक तत्व भी अगर ग्रहण कर लिया तो उससे भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। तो दो वक्त का रोटी जिनकी आत्मिक स्टेज में कमी होगी उनको भूख लगेगी, जिनकी आत्मिक स्टेज बन चुकी होगी उनको फिर जितनी परसेंटेज में आत्मिक स्टेज पक्की होगी उतना भूख प्यास कम होती जाएगी। आत्मिक स्टेज होना माना ऊर्ध्व रेखा होना, शक्ति है शरीर की वो मस्तक में चढ़ेगी तो भूख लगने का सवाल ही नहीं है, खुशी खुशी बनी रहेगी, खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी भी ऐसे ही उनकी बुद्धि पतन में है क्यों होता है? वो ज्यादा भोजन करते हैं, और जिनकी बुद्धि पतन में नहीं है उत्थान में है तो उनको भूख उतनी ज्यादा नहीं लगती। मगर क्यों ऐसा वादा किया है दो रोटे और दाल देते हैं? अभी तो आवाज नहीं फैली तो भी कोई कमी नहीं है, अभी आवाज नहीं फैली अभी चारों तरफ से विरोध ही विरोध हो रहा है, लौकिक संबंधियों से विरोध, गांव वालों से विरोध, ब्राह्मण परिवार से विरोध, सरकार से विरोध, चारों तरफ से विरोध हो रहा है, आगे चल के और भी विरोध होगा तो भी कमी नहीं है।
जो झूठे झूठे धर्म फैल रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल झूठी बातें सुनाते हैं, उनको भी मुहैया कितना ढेर सारा पैसा मिलता है धर्म के नाम पर। तो यहाँ तो सच्चाई के सच्चा धर्म स्थापन हो रहा है, यहाँ पैसे की कमी पड़ जाएगी। तो ये चारों और अपोजिशन होगा, या पवित्रता के पवित्र के ऊपर अपोजिशन होगा, या फिर झगड़ा किस बात होता है, फिर का ही होता है, का ही झगड़ा होता है। लास्ट क्वेश्चन नहीं होता। जब ये कहते है, ये कहते है सारी दुनिया बाबा से छोड़ देगी, तो सेंटर में कौन रहेगा? सेंटर में कौन रहेगा? तो इतना ज्यादा परिवार लोग है, बाबा ही छोड़ के दुनिया को चले गए ब्रह्मा बाबा, तो सेंटर में कौन रहा? उनके पले तो आए जी, यहाँ क्यों? नहीं वो बस नहीं, सारे भुजाएं खट हो जाएंगे, तो मददगार बच्चे सभी छोड़ देते हैं, सारी दुनिया रावण की बन जाती है कलयुग के अंत में। तो राम की नहीं रहती, राम की नहीं रहती, सारी दुनिया रावण की बन जाती है। कोई ऐसा तो रहता नहीं जो रावण का बनता ना हो, माया जिसकी, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको माया छोड़ देती हो। माया एक बार दो बार पछाड़ती सभी को है, तो ठीक है पछाड़ती है ना, तो क्या होता है? तो अंत में है हाँ। जो सेंटर में इतना लोग है ना बता, हाँ। वो सभी सेंटर छोड़ के जाएंगे या छोड़ने वाले? छोड़ेंगे अभी भी छोड़ रहे हैं, पर कोई तो नहीं रहेंगे ना, जो रहने वाले हैं वो रहेंगे, उनको मिलेगा खाने के लिए? खाने की बात नहीं, माउंट आबू में 300-400 थे, 75 बचे, छोड़ने वाले छोड़ के चले गए, रहने वाले रहे अभी भी रह रहे, और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पर बुझा सारी कट नहीं होगा ना, इसका मतलब किसकी? प्रजापिता का, प्रजापिता की भुजाएं शंकर की भुजाएं नहीं गाई जाती है, विष्णु की भुजाएं गाई जाती है, ब्रह्मा तो विष्णु की भुजाएं गाई जाती है, उनके सब सहयोगी बनते हैं। प्रजापिता कड़क स्वभाव का, इसलिए कोई साथ नहीं दे पाता अंत तक। इसका मतलब अंत तक कोई ना कोई रहेगा, क्या रहेगा? सेंटर को संभालने वाला। अरे ब्रह्मा कुमारी उस सेंटर को संभालने वाले अभी नहीं है क्या? बाबा चले गए, सही बात। तो फिर अभी का बात नहीं, अंत का बात है। अंत के भी बात जैसे अभी जो आज में जो अंत में दुनिया का एक व्यक्ति के आधार दुनिया का चलना बंद नहीं होता है। पूछना है जब वातावरण अच्छी होती है तभी करेंसी फैल होता है, या अंत में विनाश के वातावरण खराब होगा, अकाल पड़ेगा, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो मारामारी होगी, तो आप वातावरण अच्छा रहेगा या खराब होगा? बहुत खराब होगा, खराब। उस समय करेंसी लेकर कोई दान नहीं फायदा किया, सब्जी या कुछ नहीं देंगे। अभी भी तो देखो सामान्य स्थिति चल रही है, तब ये हाल है करेंसी का। अभी 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 भिखारी को 1 रुपया दो तो 1 रुपया फेंक के चला जाता है, हमें नहीं चाहिए। मार्केट हो बम्बई में 10-10 के नोट भिखारी उन्हें निकाल के देते हैं, तो वैल्यू नहीं है। ज्ञान बहुत वृद्धि हो गया है, ज्ञान बहुत वृद्धि हो गया है, इसलिए नो क्वेश्चन। ज्ञान बहुत वृद्धि को हो गया है लेकिन अवस्थाएं नीचे जा रही है, ये क्या चक्कर है? बुद्धि का विस्तार हो जाता है कलयुग के अंत में, एटम बम बना लेते हैं, मनुष्य बनाना शुरू कर देते हैं, मनुष्य में जीवन डाल देते हैं, बच्चा पैदा कर देते हैं मशीनरी से, लेकिन दुख दर्द बढ़ जाता है। मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है।
पूरी प्रगति का ग्रहण लगने के बाद पूरी सदगति का ग्रहण लगता है। अभी भी लग रहा है, है? अभी लग रहा है एडवांस में जब आए थे शुरुआत में तब तक की अवस्था अभी बन रही है फिर? द्वापर में ये एडवांस लोग द्वापर में बहुत बड़ा भक्त हुआ था या ऑर्डिनरी भक्त हुआ था ऐसा कुछ? सत्व प्रधान भक्त था, सत्व प्रधान भक्ति करता था, एक की भक्ति करता था, अनेकों की भक्ति नहीं करता था। वो आत्मा एडवांस में आया, वो ऊंचे ऊंचे से ऊंचे भक्त थे, उनकी भक्ति है एक की भक्ति, जिनकी भक्ति है अनेकों की भक्ति, जिन्होंने वहां एक की भक्ति की होगी वो एक से ही ज्ञान सुनेंगे, अनेकों से ज्ञान नहीं सुनेंगे। मैंने लिंक को जाकर फिर एडवांस में आया है तो मैं दोनों का भक्ति क्या है क्या दोनों का मैंने द्वापर में व्यभिचारी ज्ञान सुना है क्या ये मतलब व्यभिचारी ज्ञान मन मैंने दो का ज्ञान सुना है एक से सुना है या दो से सुना है एक से पूछ रहे एक से चुबावा से सुना तब वहाँ बेसिक में भी चुबावा से सुनते थे देहधारी ये बुद्धि में थोड़ा ही चाहिए देहधारी ज्ञान सुना रहे हैं शिवबाबा ज्ञान सुन रहे हैं अभी भी शिवबाबा ज्ञान सुन रहे हैं बसवर्णा के बसवर्णा एक महान व्यक्ति था बसवर्णा एक महान व्यक्ति था उस समय बहुत भक्त भक्त थे वो भक्त उस समय भी आत्मिक ज्ञान फैला था भक्त थे वो भक्त एडवांस में आया है क्या वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं आएंगे अभी आया है गुरुओं के भक्त ज्ञान में नहीं आते हैं क्या नमस्कार नवलाख देवताएं रहेगी ना वो बाद में पेंटिंग कार बनेगी या पहले बन जाएगी 9 लाख में 4.5 लाख जन्म लेने वाले जो वो कंचन काया वालों से जन्म लेंगे या बिना कंचन जिनकी कंचन काया बनी नहीं उनसे जन्म लेंगे मगर टाइम तो बहुत कम है ना बाबा तो क्या हुआ इधर बन से कैसे बन से अभी कितने अभी ऊपर से कितनी यात्रा उतर रही अभी तो करोड़ों की तादाद में उतर रही तो वहाँ तो 9 लाख में 4.5 लाख नीचे आने जन्म लेंगे नहीं बाबा 2018 में राधा कृष्ण का स्वयं होता है ना राधा कृष्ण का स्वयंवर होता है जन्म होता है ना वो जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म या प्रत्यक्षता रूपी जन्म तब हो गया 2018 में राधा कृष्ण से बच्चों का जन्म नहीं होगा होगा ना जब बच्चों का जन्म होगा तो दूसरे बच्चों का भी जन्म शुरू हो जाएगा मगर कंचन काया कब बनेगी वो उससे पहले जिनकी कंचन काया ही नहीं बनेगी तो बच्चों को जन्म कैसे देंगे कंचन शरीर से कंचन बच्चे पैदा होंगे या जिनका कंचन शरीर बना ही नहीं है उनसे कंचन बच्चे पैदा हो जाएंगे कंचन जिनका शरीर बना हुआ उनसे कंचन बच्चों का जन्म होगा कंचन काया वाले बच्चों का कंचन काया बनने का टाइम ही नहीं है ऐसा पूछ रहा है 4.5 लाख आत्माएं है ना क्यों नहीं है पूरी जब पक जाती है तो नीचे नहीं बैठी रहती है जब पक जाती है तो ऊपर आ जाती है ऐसे ही आत्मा जब परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगी तो शरीर के जो रोग शोग है वो खत्म होने लगेंगे हीरो की काया बनना शुरू हो जाएगी बाबा इसका मतलब ये है 18 से 36 तक कंचन काया बनता ही रहेगा क्यों नहीं बनेगा बनेगा नहीं तो फिर 4.5 लाख बच्चों को जन्म कैसे होगा कौन देगा जन्म
कंचन काया वाले जन्म देंगे कंचन काया वाले बच्चों को, या कोई जिनकी रोगी शरीर है वो जन्म देंगे? कंचन काया वाले, जिनकी कंचन काया अपनी बनी होगी वही कंचन काया वाले बच्चों को जन्म देंगे। पत्थर पैर कंचन काया कब्बन कब बनते हैं? 18 में राधाकृष्ण का जन्म कब बताया? 18-19 के टाइम है, वही बताया कि उस समय राधाकृष्ण का जन्म 36 का होगा। 36 में लास्ट पैर कब होगा? बाबा इसका मतलब 2036 तक उसी चला। हाँ जी हाँ जी, बाद में उत्तर की, उत्तर की फिर उत्तर की तरफ, इसलिए यही श्रेष्ठ जन्म है। 2036 के बाद फिर श्रेष्ठ जन्म नहीं कहेंगे, उत्तर की कला का जन्म हो जाएगा। अभी 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 हमको ज्ञान है, उस समय ज्ञान भी नहीं है। वो कंजिल का चीज है ना बाबा, वो गंजी का स्टेज में नई दुनिया का अनुभव करते है क्या? अभी नहीं करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। उनकी अवस्था बनी हुई होगी, वो दुनिया में चाहे जो कुछ होता रहे उनकी अवस्था अच्छी बनी रहेगी। ऐसे परिवार नहीं होते, आज भी ऐसे ऐसे परिवार है जहाँ बहुत झगड़ा चलता है लेकिन कोई अपने मस्त रहते हैं। झगड़ा करने वाले झगड़े करते रहते हैं, पूरे अपनी मस्ती रहती है। कंचन काया बनने के लिए कितने साल तपस में बैठना चाहिए? नहीं बाबा, ये पूछ रहे आत्मिक स्टेज में होते है ना, अंत में मोटा भूमि में वो कितना समय बैठने के बाद कंचन काया बनती है? जब सड़क का गेट खुलेगा तो विष्णु का पाठ शुरू होगा कि नहीं? हाँ ना करो ना, हाँ विष्णु का पाठ जब शुरू होगा तो स्वर्ग का गेट खुलेगा ना। तो एक तरफ स्वर्ग का गेट खुलेगा तो दूसरी तरफ शांति धाम का भी तो गेट उसी समय खुलेगा। शांति धाम में भी कुछ आत्माएं होगी जो अपना शांति धाम में बैठ के शांति से पुरुषार्थ करेंगी, और जो विजयी बनती जाएंगी वो सुख धाम में पहुंचती जाएंगी। तो शांति धाम और सुखधाम का गेट एक साथ खुलेगा या अलग अलग खुलेगा? एक साथ खुलेगा। प्रश्न का समाधान तो पहले से ही दिया हुआ है, तो विष्णु का पाठ कब से शुरू होता है? विष्णु जब प्रत्यक्षता की स्टेज पर आएगा उसी समय से स्वर्ग के गेट खुलना शुरू होंगे। स्वर्ग का गेट खुलेगा तो शांतिधाम का भी गेट खुलेगा। जिनका स्वर्ग का गेट खुलेगा, जिनका शांति धाम का गेट खुलेगा, उनके लिए नरक की दुनिया खत्म। बाउंड टाउन से बैठे बैठे नहीं, दुनिया का विनाश देखते रहो, हाहाकार देखते रहो टेलीविजन। तो यही बताना, खतरा कोने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है? तो क्षेत्र की बात नहीं हुआ? हुआ, कोई हाहाकार कर रहे हैं, कोई जय जयकार कर रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई दुखी हो रहे हैं, आए नहीं है तो वो कर रहे हैं। बाबा कंजी का प्रोसेस है ना, कंजी का प्रोसेस है, पुरानी दुनिया नहीं रहेगी क्या? पुरानी दुनिया ऐसे है, आप मुए मर गई दुनिया, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये दुनिया तो गई गड्ढे में, पूरे तुल में रहेगा ना दुनिया, एकदम खत्म हो जाएगी तो इन 500-700 करोड़ को संदेश कैसे मिलेगा? उनको एक जन्म की जीवन मुक्ति लेने दोगे नहीं लेने दोगे? अच्छा तुम संपन्न बन जाओ फिर दुनिया एकदम बांधे में जाए, ऐसे सोच रहे? हाँ ऐसे सोच रहे, दुनिया का भी कल्याण होना है,
दुनिया की और जो दूसरी आत्मा है उनको आधा समय सुख नहीं ले मिलेंगे सृष्टि का, वो सुख कहाँ से मिलेगा उनको? माना ये पृथ्वी का चार तरफ से बस ही बस रहेगा, ऐसा ही क्या रहेगा? बस 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 रहेगा। जब एटम बम फटेंगे ना, एटम बम फटेंगे तो पृथ्वी का जो बैलेंस है वो तो बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे चारों तरफ, तो ज्वालामुखी जब फटेंगे तो ऊपर की चीज नीचे है, नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी, जो तत्व तो जहाँ का था वो तत्व तो वहाँ का वही पहुंच जाएगा। जैसे पटलोई होती है ना पतीला, और पतीला में पानी उबलता है, पानी उबलता है ना, तो कहाँ का पानी कहाँ, यहाँ का पानी वहाँ, वहाँ का पानी वहाँ, चारों तरफ मिक्स हो जाता है, मिक्स होता है ना अच्छी तरह से। तो ऐसे हो तो जब इतना गर्मी पड़ेगी तो समुद्र का जल खौल के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगी? जाएगा। तो जोर से बरसात होगी कि नहीं मूसलाधार कई दिनों तक होगा? आज इस दुनिया में जब थोड़े दिन बरसात होती है तो ठंड हो जाती है कि गर्मी रहती है? ठंड होता है, ठंड हो जाता है, ठंड हो जाता है। ऐसे ही जब मूसलाधार कई दिन बरसात होगी सारी दुनिया में तो मौसम कैसा हो जाएगा? कई डिग्री नीचे आ जाएगा तो बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। ये 2033 के बाद है, 2033 के अंदर ये सबको नहीं बताया जाता, यही बताया, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप नहीं बता रहे हैं। बताया जाएगा, बोर्ड में बताया जाएगा अभी नहीं। जब भूकंप आएंगे जमीन डोलेगी जोर जोर से, तो ये मकान तो सारे गिर जाएंगे, भयंकर विनाश हो जाएगा भूकंप से। चार लाख बचे तो जल्दी चाहते नहीं है? चलो अमृत ज्ञान मिल गया जल्दी तो हो जाए, तुम खेलो ना, हमको तो बाबा बचाई देगा है। इसलिए कहते हैं देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। शायद एक संदेश मिलना है ना। मम्मी तो मधुबस मधुबस छोड़ना पड़ेगा, शायद कर रहा अंदर है छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर है ऊपर साथ यहाँ पर है बड़ा दोस्त पूछता है ये पूछ रहे हैं जब मधुबन छोड़ना पड़ेगा वो लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वो दिल्ली की तरफ जाते हैं या मॉन बाबू की तरफ? अभी उनको एडवांस ज्ञान पे विश्वास है? नहीं माउंट आबू वालों को नहीं है, ज्ञान सरोवर वालों को उनको विश्वास नहीं है ना, तो उनके विश्वास के ऊपर जब कुठारा घात होगा, जब कुठारा घात होगा तो छोड़ के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागेंगे कहाँ भागेंगे? उन्होंने जहाँ अपना धन संपत्ति जहाँ जमा की होगी, कोई तो विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, जहाँ कहीं उनके फॉलोअर होंगे। हम उनको इतना समझाते हैं उनके फॉलोअर नहीं समझ रहे, तो उनको तो उनके ऊपर पक्का विश्वास है, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ जिसका सर कमाएगा वहाँ जाएगा, वो जाएंगे बाहर की दुनिया में और हम पहुंचेंगे आबू अब्बा के घर में। लोगों को छोड़ने के लिए बताया ना, वो कारण क्या होता है?
अच्छा पाप बढ़ता चला जाए, वो असला इकट्ठा करते रहे, वो इतना दिन तक सच को छुपाए, इसलिए इसको उनको मंडापुर नहीं हुआ, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है ना। आपने तुम्हारी में तो कम से बोला हुआ है, अभी सिर्फ 5% उनका रह गया है भोगने का, वो भी भोग के खत्म कर देंगे, उसके बाद पासा पलट जाएगा। सत्य को सारी दुनिया को नहीं बताया, सच्चाई को सारी दुनिया को नहीं बताया, अंधेरे में रखा ना सबको, खुद भी अंधेरे में, खुद जानबूझ के अंधेरे में। बाबा अंत में वो ग्लानी करेंगे बाबा पर, अभी नहीं करें, अरे पर बहुत अंत ग्लानी करेंगे जो सारी दुनिया मान जाएगी, और बाबा को बहुत तकलीफ देते हैं, वो ज्ञानी क्या कौन सा स्वरूप का होता है, क्या ज्ञानी करेंगे? एक ही तो बात है प्योरिटी की, जो उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही है कि प्योरिटी क्या है, इंप्योरिटी क्या है, वही बात। वो तो गृहस्थियों को क्या समझते हैं, जो साथ साथ रहने वाले हैं स्त्री पुरुष, उनको क्या समझते हैं, वो तो सन्यासी है, वो तो उनको आप समझते हैं, तो बाबा को क्या समझते हैं, बाबा को तो वो एकदम नीचे गिरा हुआ समझेंगे, उसी बात पर ग्लानी करेंगे, और अभी नहीं कर रहे, कर रहे हैं, वो एक ही बात तो उनके पास, एक ही बड़ा पॉइंट है, तो कोई भी जिज्ञासु वो सुना देते हैं, ऐसे होता है, वो आज में भी ऐसे हुआ था, दुनिया वाले उड़ाते थे कि वहां तो बच्चे खोद खोद के जमीन में गाड़े जाते हैं, बच्चों में पैदाइश होती है, बच्चे जमीन में खोद के गाड़ दिए जाते हैं, पांच बीघा है ना, ये पांच बीघा में एक एक विकार को एक एक जंतु को एग्जाम्पल दिया, अब माना हाथी को अहंकार, और मुंह को बंद ऐसे दिए, लेकिन लोभी को क्या क्या दिए, सारी सांप है, लोभी सांप, यहाँ कमर में सांप दिखाया, यहाँ सांप दिखाया, यहाँ सांप दिखाया, यहाँ सांप दिखाया, यहाँ सांप दिखाया, ये सब कामी क्रोधी लोभी, वही अहंकारी नहीं है, है बाबा, कंपैरिजन, एक एक काम क्रोध लोभ मोह, बंदर में तो लोग भी समझे जाएगा, बंदर को मोह लोग भी समझे जाती होता है, को सांप सांप दे दिए, नहीं सांप तो सबूत दे दिया, पांचों विकार सांप को दे दिए, पांचों विकार बंदरों को भी दे दिए, महाकामी महाक्रोधी महालोभी महाअहंकारी बंदर होता है, वो राम की सेना बनती है, बनी हुई, नहीं तो इतना ज्ञान होने के बाद सुधार होना चाहिए, सुधरते नहीं, सुधरता है टाइम लगेगा, है सुधरता है टाइम लगेगा, तो टाइम को कौन खींच लेगा, खींच के कौन लाएगा, टाइम को खींच के लाने वाला भी कोई होगा, कौन होगा, महाकाल, काल माना टाइम, तो नाम क्या दिया, महाकाल, धर्मराज और महाकाल दोनों ही ये एक ही तो है, काल राजयोग कविता है ना, राजयोग।
ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತ ಅದು ಸಿಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಹಮಕೋ ಸಿಖಾ ರಹೇ ಹೈ ಬಾದ ಮೇ ಸಿಖಾತೆ ಹೈ ये तो अज्ञान को ग्रहण करने की अपनी अपनी ताकत है। जिसमें ग्रास्पिंग शक्ति ज्यादा है वो अभी भी राजयोग सीख रहा है, जिसे ग्रास्पिंग शक्ति नहीं है वो राजयोग नहीं सीख रहा है, भोगी बन रहा है। कोई भी इंद्रिय से उसको ग्रहण कर लेगा तो राजयोग नहीं है। खाने की इच्छा होती है, खाने के टाइम ज्यादा खाना खा लेते होंगे। प्रथम संगम युग कब शुरू होता है? विष्णु आने के बाद टाइम सबका एक जैसा फिक्स नहीं है। बाबा ने तो घोषणा 66 कर दी थी, 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, नई दुनिया आ जाएगी। किसके लिए? तो आत्मा होगी ना, तो ऐसे ही और भी है कोई के लिए टू लेट का बोर्ड। माँ बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना, तो बहुत मोह रहता है। तो मोह से काम बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा। ऐसा कैसे हो? ब्रह्मा ने बहुत मोह किया, बहुत प्यार दिया, अति का प्यार दिया, तो काम बिगड़ गया सुधर गया? बिगड़ गया। इतना बहुत जी किसकी सारे गोद में रख लिए, यहाँ तक मोह आ गया कि वो जो करता धरता था जिससे सारा ज्ञान का सार मिला, संत मिला, उसको भी छोड़ बैठे। कारण क्या है? जिनके लिए मोह किया इतना, जिनके पीछे इतने मरे कि जो असली चीज थी उसको भी छोड़ दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? बिछड़ने में हार्ट अटैक कर दिया ना, फिर चोले में क्या फल मिलता है? वो माँ बच्चों को इतना प्यार क्यों करता है? ड्रामा बना हुआ है। माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं तो पेट से जो पैदा होगा उसकी तरह मोह नहीं जाएगा? मैं सब कुछ 9 महीने पेट में रखा, सब कुछ त्याग कर उसके लिए उसको बच्चे को परवरिश करती है सारी जिंदगी में। पहले तो माताओं को वर्षा भी नहीं मिलता था, बच्ची है तो भी बरसा नहीं, शादी हो जाती है तो भी उनके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं रहती, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं तो भी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं आती थी। माउंट आबू के माउंट आबू में रहने वाले सूर्य वंश, चंद्र वंश और कई धर्मों का लोग है। माउंट आबू में रहने वाले सूर्य वंशी है, वो आते हैं ना माउंट आबू रहने वाले हैं, वो माउंट आबू में आने जाने वाले। माउंट आबू में आने जाने वाले हैं। ऐसा ये एडवांस में भी दूसरे धर्मों का और चंद्रवंश का सूर्यवंश का है, ठीक है, सब धर्मों की भी इधर वो जितने खतरनाक नहीं है उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ भी है। एडवांस में, एडवांस में बाबा 5000 साल तो नहीं आता है ना, तो संगम में गुप्त रहता है। तो इसका कारण क्या है? कारण गुप्त रहता है, कारण यही है कि पत्थर मुट्ठी बन जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। नहीं हो गए इतना ज्ञान मिलने के बाद भी अभी भी क्यों अनिश्चय आता है? क्यों माया हिला देती?
बाप अनिश्चय नहीं, परिवार में अनिश्चय होता है, ज्ञान में अनिश्चय होता है, बाप में निश्चय, परिवार में भी निश्चय और ज्ञान में भी ग्रामों में पूरा निश्चय, पूरा निश्चय कब हो रहा है, पूरा का निश्चय कब हो रहा है, नंबर वाले वो संपन्न है दर्शन में जितना जितना पहुँचेंगे उतना उतना निश्चय गिरेगा, निश्चय पकड़ेगा, ज्ञान जितना गहरा होगा उतना निश्चय पक्का होगा, मैं गहरा मानो विस्तार विधान है सार में जाऊंगे, जो विस्तार में जितना जाएगा उतना सार में भी टिकेगा, जितना सार उतना विस्तार, जितनी बनेगी उतना वो बड़ा वृक्ष बनेगा, बरगद का बीज कितना छोटा होता है, कितना सार में पहुंच जाता है, एकदम छोटा कितना बड़ा हो जाता है, बाकी सब महसूस किया रोड भी ऐसी बना दी जैसे हवाई जहाज बोल रहे हैं।